नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भवानीगढ़ सुनाम मुख्य मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक नौजवान की हुई मौत, पुलिस ने टिप्पर चालक को किया गिरफ्तार। लुधियाना के मॉडल टाउन में तीन अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटी कार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जीरे के गांव बहक पछाड़िया में दिन दिहाड़े हथियारबंद कार सवारों ने स्विफ्ट गाड़ी लूटी, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। गत रात्रि भवानीगढ़ सुनाम मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान झनेड़ी से भवानीगढ़ सामान लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान सुनाम की तरफ से आ रहा एक टिप्पर लापरवाही के चलते उक्त मोटरसाइकिल सवार को घसीटता हुआ दूर तक ले गया, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार नौजवान कुचला गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर कोई कार्रवाई न करने के कारण गाँववासियों द्वारा मृतक के शव को सड़क पर ही रखकर धरना लगा दिया गया और सारी रात धरना प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान गांववासियों द्वारा भवानीगढ़ सुनाम रोड भी जाम कर रखा गया। लंबे समय तक धरना प्रदर्शन के चलते सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा टिप्पर चालक पर पर्चा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गांववासियों व पारिवारिक सदस्यों को विश्वास दिलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए संगरूर भेज दिया गया, जिसके बाद धरने को समाप्त करवाकर यातायात को बहाल कर दिया गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। राजमेंद्र सिंह है जी। ये धरना इस करके लाया जा रहा है कि साढ़े पिंड का एक गरीब मजदूर रात अपना दिहाड़ी का कम नमेड़ के अपने परिवार वास्ते पिंडों भवानीगढ़ सौदा लैन वास्ते जा रहा थी। तो जदों ये रोड के उत्ते चढ़िया तो पिछों एक टिप्पर आ रहा थी, वो मिट्टी का भरया हुआ टिप्पर थीगा। उस टिप्पर वाले ने पता नहीं कहा जा नशा खाधा होया थीगा भी उस बच्चे नू थई लतड़ दिता, तो मौके पर ही बच्चे की जिहड़ी मौत हो गई। जदों पिंड दे विच पता लग्या तो सारा पिंड इकदम इस रोड पर पहुँचया। पर रात यह घटना रात 7:30 बजे की है। 7:30 बजे तो लैके सारी रात का प्रशासन का कोई भी अधिकारी ये मसला हल नहीं कर सकिया। आपदे रोड खिलाउण दीआं गल्लां हो करी जा रहे ने भी रोड जाम हो रहा है, तो इस बच्चे दे बारे कोई नहीं आके प्रशासन का बंदा भी ये माँ बापा किसी भी तरह का कोई इंसाफ दवा सके। बिलोंग करदा मैं भी इतो कम से जाने आने। देखो ये गौरमेंट ने एडा वड्डा रोड बनाउण दी तां उह करती, पर लोकां दे जिहड़े आले दुआले वाले पिंडां दे नेड़े लगते हैं उन्हां दी सहूलत वास्ते एक फुट भी रोड चौड़ा नहीं किया भी तुसीं आ सको तो जा सको। एडे वड्डे रोड तो बनाउण लग गए, ठेकेदारां नूं तां पैसे देते भी तुसीं रज्जो खाओ जो मर्जी करो, बंदे मारो रोड़ां ते जो मर्जी करो रोड बना दो। इहदा पर जिहड़ी आ रोड है इह काम नॉर्मल रोड है कि उहनां दा फर्ज नहीं बनदा भी पहलां इहनूं 2-2 फुट आले दुआले चौड़ी करो जां इहदे आले दुआले साफ सफाई करो। रात नूं इत्थों दिखदा नहीं हैगा, इहनां दीआं तेज़ इन्नियां लाइटां ने इन्ने तेज़ इह चलदे ने अन्ने बाह चलदे ने। तुसीं उन्ना चिर जी ट्रैफिक चलदा करो, इत्थे सारे बाकी लोग भी तंग हो रहे ने। आपां जिहड़ा चीज़ है तुहाडी कार भी ठोक के करती है, इहनां नूं जिहड़ा एक्यूज्ड है उह भी हवला च बंद है, उह भी दिखाता है। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਖਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। 2 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित ट्यूशन सेंटर वाले इलाके में तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियारों की नोक पर कार लूटने की घटना सामने आई है।
इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह की बताई जा रही है, जब विद्यार्थी आईलेट सेंटर में आए थे। इस दौरान तीन अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर उनसे गाड़ी छीन ली और फरार हो गए। वे घटना की सूचना मिलते ही ADCP समीर वर्मा पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मॉडल टाउन इलाके में तीन बदमाशों द्वारा छात्रों से हथियारों की नोक पर गाड़ी लूटी गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। अर्ली मॉर्निंग मॉडल टाउन थाने में जड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक जड़ी ट्यूशन मार्केट मॉडल टाउन ट्यूशन मार्केट है, उसे गड्डी जड़ी ब्रीजा है वो स्नैच की गई है। जो असं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की तो वो सामने आया कि बच्चा सगा जोड़ा कि मसूरा पिंड पैदा है जगराओं के डिस्ट्रिक्ट उतों जोड़ा है सवेरे इतने ट्यूशन पढ़न आते हैं कुछ बच्चे। उन्हें अपनी गड्डी जी है उतने पहुँचा ही सगा तो दो बच्चे उपर ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं तो ये रुक जाता है तो तीन नौजवान जड़े ने वो आते हैं तो वो कृपान दिखा के कृपान के डर जी है गड्डी ये वो घरों लै जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है तो असी जी पार्टीज बना के वो सारी सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। FIR रजिस्टर कर दी गई है तो अगर असं इन्वेस्टिगेशन जी है कर रहे हैं। फिलहाल जो हाले साढ़े को इन्फॉर्मेशन उ दिखाई देते हैं जो सीसीटीवी फुटेज वो पैदल आए नहीं कोई जी नहीं हैगी है। मुदई के कंप्लेनेंट के दसन मुताबक भी जो साढ़े को सीसीटीवी फुटेज भी आई है मुताबिक कोई वेपन नहीं है देखो हाले जी सीसीटीवी फुटेज है वो तो लगता है कि ये जो 20-25 साल के बीच कितने है। जीरा के गांव बहक पछाड़िया के नज़दीक दिन दिहाड़े कुछ हथियारबंद कार सवारों की ओर से हथियारों की नोक पर एक स्विफ्ट गाड़ी लूटने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वे अपने घर से तलवंडी बाहिया जा रहे थे, जब वे गांव बहक पछाड़िया के नज़दीक पहुँचे तो पीछे से आ रहे दो कार सवारों ने उनकी कार को घेर लिया और तेज़धार हथियारों की नोक पर उनकी स्विफ्ट कार लूट कर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान विरोध करने पर लुटेरों द्वारा उन पर तेजधार हथियारों से हमला भी किया गया, जिस कारण उन्हें चोटें लगी हैं। वे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और DSP जीरा पलविंदर सिंह संधू खुद मौके पर पहुंचे। उनकी ओर से अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जगहों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मुंडा जिहड़ा सानू मौके ते मिलिया सीगा बैग पछाड़ियां सदर जीरा दा एरिया हैगा, वह संदीप नाम का हैगा, पिपली पिंड है लोहियां का। ये उधरों आ रहे सीगे ते स्विफ्ट डिजायर इन्हां कोल गड्डी हैगी है, उसका नंबर हैगा PB08EG6282। वह गर्म हो जाती हैगी 50-60 तो बाद चलती नहीं। ये लोहियां जिहड़ा टोल हुंदा सी अजकल बंद हो गया, उत्थे CCTV कैमरे भी बंद हो गए। उत्थे ऑलरेडी कहिंदे वी एक ब्रीजा कार खड़ी सी, एक बाद च पिछों इनोवा। जो ये बैक छाड़ियां कोले आए तो उन्हां कार ने इन्हां हत्थ दे के रोकिया, हत्थ दे के रोकिया तो वो रुक गए। उस तो बाद वो आपस च कहिंदे वी तुसीं एक्सीडेंट करके आओ, तो उन्हां दी गड्डी जिहड़ी आ खो के लै गई। तो इन्होंने एक इनोवा गड्डी दा नंबर दिता है, उसका नंबर भी हैगा साढ़े को PB08EG7151। तो असं वो उत्ते वर्क कर रहे हैं, CCTV वगैरह अभी खंगा रहे भी वह रूट बना लिए भी किधर गई हैगी, बाकी जीडिया वक् पार्टियां है वो लाइया हुई हैं तो उसकी असं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई हमला भी किया गया सर? हाँ, उन्होंने को एक दफ्तर से। अमृतसर नारायणगढ़ के न्यू हमीदपुरा में घर के बाहर खड़ी कार को पीछे करने के लिए हुए हंगामे के दौरान कार सवारों ने दो गोलियां चला दी। गनीमत ये रही कि ये गोलियां किसी को नहीं लगी। मिली जानकारी के मुताबिक ASR स्टूडियो में चार आदमी अपने किसी काम की वजह से आए थे। इस दौरान गाड़ी उन्होंने घर के बाहर खड़ी कर दी, जिसके चलते घर वालों ने कहा कि वे अपनी गाड़ी थोड़ी सी आगे या पीछे कर लें, लेकिन उन्होंने कहने के बाद भी गाड़ी नहीं
नहीं हटाई और स्टूडियो से बाहर आकर दो राउंड गोलियां चला दी। विघटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मौके पर से दो राउंड गोली के मिले हैं। मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर इतना ही भी ASR स्टूडियो ते मुंडे आए सी 4-5 वरना गड्डी सी वाइट कलर दी उन्हां को। हाँ जी वो अंदर ASR स्टूडियो दे अंदर बैठे सी काफ़ी टाइम तो बैठे सी। असी शामा दा टाइम होया घर दे कहिंदे कि भी सफाई करनी आ ते बाहर सफाई गड्डी लगी सी गड्डी दे कारण सफाई नहीं होंदी। जिन्हां दी गड्डी सी असीं उन्हां नूं कहा कि भी गड्डी साइड ते कर लवो थोड़ी ते उन्हां नूं गड्डी एक बारी कहा उन्होंने नहीं की। दूजी बारी फिर उन्होंने कहा गड्डी साइड ते कर लो नहीं की। तीसरी बारी वो गाला कढ़न डै पवे गाला कढ़ के इत्थे लक्कड़ पई सी लक्कड़ दी चुक के मेरे भतीजे ये भतीजे के दुआले हुए ये मगर भज्जे आ भी पहला इनू मारन की कोशिश की आ। फिर एक मुंडा गड्डी दे विचों पहला बह लगा फिर गड्डी दे विचों निकलिया फिर उन्हें राउंड चलाया इत्थे जमीन ते चलाया एक उपर चलाया भाजा दौड़ी के उन्होंने को दो राउंड डिग गए हैं जेडे असी चुक के पुलिस के हवाले किए हैं। सर जो जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई बनती वो की जाए जो सू इंसाफ साढ़े ना इंसाफ होना चाहिए सू इंसाफ मिलना चाहिए। दोषी इस वक्त फरार है जी पिछे पहलों दुकान ही वो इतने काम कर लग पे वो को डाटा रिसीव कर नहीं आए चार तीन चार जने दसन देने कहने के मुताबिक अजय तफतीश चलन दी है वो डाटा रिसीव करते गड्डी उन्होंने अगले बने घर दे लाती उत्थे घर तो जनानी ना कोई माड़ी मोटी तू तू मैं हुई वो तो उन्होंने हवाई फायर करते ना कोई जस्ट 10-15 मिनट पहलों दे वाकया है तो तफतीश चलन दी है। तफतीश करने तो बाद जी है कार्रवाई अगली अमल चलें। फिरोजपुर बस स्टैंड के बाहर एंट्री गेट पर पंजाब पुलिस के कर्मचारियों पर पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक राजन मदान नामक व्यक्ति जो कि बतौर हेड कांस्टेबल फिरोजपुर शहर में तैनात है वे अपने बच्चों और माता को जालंधर जाने के लिए बस पर चढ़ाने के लिए बस स्टैंड पर आया था। जब वे बच्चों और माता सहित जालंधर वाले काउंटर पर पहुंचा तो एक पंजाब रोडवेज की बस जो कि अपने टाइम के हिसाब से काउंटर से निकल रही थी इस दौरान राजन की माता द्वारा बस पर जल्दी से नहीं चढ़ा गया क्योंकि वह बुजुर्ग थी जिस कारण गुस्से में आए पुलिस कर्मचारी ने बस का पीछा करते हुए उसे एंट्री पॉइंट पर रोक लिया और बस कंडक्टर व ड्राइवर के साथ बहसबाजी हो गई व आपसी तकरार हो गई तो वहीं इस तकरार ने खूनी रूप धारण कर लिया जिस कारण बस का कंडक्टर घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद पुलिस की PCR टीम को सूचित किया गया जो जल्द ही वहां पहुंच गए। पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश चल रही थी कि तभी पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में छुड़ाने वाले एक केशधारी नौजवान की भी जमकर पिटाई की गई। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज किस मुद्दे नू लैके आ जिहड़ा पुलिस मुलाजम दे नाल जिहड़ी तुहाडे हत्थों पाई हुई है? ये सर इत्थों अपना जलंधर दी एक टाइम सी फिरोजपुर जलंधर दा 11:50 काउंटर दा टाइम है जी। इत्थों गड्डी सवारियां लैके काउंटर तों आदे टाइम दे मुताबिक जदों गड्डी अड्डे तों बाहर निकल रही सी ते एक पुलिस मुलाजम वल्लों अगों एक्टिवा ला के बस नू रोकिया गया। उस दे विच ओह सवारी चलाउण लई जिद कर रहा सी पर उस ते जो उन्होंने कहा भी अड्डे से असं बस लेकर तुरे हैं तो थोड़ा साइड से कर लो चढ़ा लें पर इतों गाली गलोच करना शुरू करता जिस उन्होंने एक थलों पत्थर चक के कनैक्टर के सिर च मारिया जिदे करके जख्मी होया कनैक्टर भी और भी इलाज के दौरान है। ये करके ब पुलिस मुलाजों ने अभी रिक्वेस्ट की भी इसे कार्रवाई की जाए इदा करके भी यदी गलती आ जिस कारण उत्थे रोड पर जान लगे। सर जी हथों पाई की है बारे तुम की कहना चाहते हो? हथों पाई सर असी नहीं की पहल उन्होंने की है जी वह ज़्यादा दरअसल वो गाली गलोच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जबकि उन्होंने वालों मुलाजमान भी गाली गलोच पूरी तरह कर रहा है। अपने परिवार समेत अमृतसर बस स्टैंड शहर विखे आया थी जिंदा नंबर PV 05 AK 0469 सी। मैं मेरी माता मेरे परिवार जो अभी अमृतसर विखे जा रहे थे इन्हों जो अभी बस स्टैंड पहुँचे इन्हें बारी को मेरे माता जी खड़े परिवार मेरा खड़ा इन्हें बस खिंच दी बस भी आ गई। मैं इन्हें क्या करे तुम मुलाजम हो तो बस रोकने का फर्ज है तोड़ा उसे स्टैंड से खड़े हो तुम सवारी चढ़ाने का अपना फर्ज है पर इन्होंने बिना देखिया दसिया बिना पूछा कनैक्टर तो ड्राइवर जो इस अमृतसर जो जलंधर बस के बस रोडवे चलाते हैं ये मेरी गल पै गए
ਮੇਰਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਮੁੰਝੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह नगर निगम के अधिकारियों के साथ जालंधर के कई इलाकों की चेकिंग करते हुए नजर आए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने मॉडल टाउन में पौधारोपण किया तो वहीं कालिया कॉलोनी में बन रही सड़कों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे इलाके के चहुमुखी विकास करवाएंगे और लोगों की समस्याओं को पहल के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज लोगों का बिजली का बिल भी जीरो आता है और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में नगर निगम चुनावों में मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की राज्य प्रधान राजविंदर कौर थ्याड़ा, दिनेश ढल, अमित ढल के अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर ये गुरु की कृपा जी, क्योंकि संगत ने संगत दे विच कहिंदे हुंदे जनता दे विच रब वास्ता है। जनता ने बहुत वड्डी तादाद दे विच 222 दे अंदर वोट पाई और साहब भवंसे मान जी नूं 92 सीटां दित्तियां और पंजाब दे मुख्यमंत्री बने। उस तो बाद जिमनी चोण आई, फिर जनता ने दोबारा जो साहब भवंसे मान दे कीते हुए काम सी उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां ते मोहर लाई उन्हां दी कि यह काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और बड़ी वड्डी गिणती दे विच श्री सुशील कुमार रिंकू नूं MP बना के जिहड़ा लोक सभा दे अंदर भेजिया। सो इस करके कम्मां दा जो CM साहब दा विजन है जां CM साहब दी वर्किंग है कि हर डोर टू डोर जाके साडा फर्ज बनता है कि जिवें असीं जनता तो वोट हासिल की है उवें ही असीं लोगों के जाके जनता के डोर टू डोर काम करिए कि जिहड़ी जनता विच विश्वास बनाया जा सके कि जिहड़ा पंजाब दे मुख्यमंत्री है उन्हां दे जिहड़े सच्चे सिपाही है वफादार सिपाही है वह जाण लोगों के लोगों को दसन के भाई असी तुहाडे तों वोट लई सी असी तुहाडे काम करा रहे हैं। क्योंकि तुसीं एग्जाम्पल देखो कि जदों 13 तरीक नूं CM साहब आए सीगे आदमपुर सड़क का उद्घाटन किया 13 तरीक नूं रिजल्ट आया सी ते 3 दिन बाद उत्थे आ गए सीगे उन्होंने आप आके उद्घाटन किया जदों कि उत्थे लोग बड़े परेशान से और जनता दे विश्वास जे किया असी उन्हां दा विश्वास पूरा निभावांगे उस वास्ते असी भी खड़े रहांगे। और CM साहब ने जे जलंधर वासियों नूं बहुत वड्डा मान दिता कि लोकल बॉडी मंत्री जिहड़ा थोड़ा सेवादार बनाया तो असी इवें जनता की सेवा करते रहांगे। और CM साहब का मैं इस चैनल्स के राही भी जिहड़ा धन्नवाद करदा कि बहुत वड्डा मान जिहड़ा दिता विश्वास किया इमानदारी और मेहनत नाल काम करांगे इवें ही असी डोर टू डोर घूमते रहांगे। तो देखो जी जनता तुहानूं दस रही है और साडा टारगेट भी यही है जो मान साहब का कि असी उन्होंने सिपाही हैं असी डोर टू डोर जाके घूमीए और लोगों तो जिवें वोट लई है उवें उन्हां दा धन्नवाद भी करिए ते उन्हां दे काम भी करिए। और असी थोड़े दिनों दे विच CM साहब जिहड़े बहुत जंदर वास्ते होर अच्छे जिहड़े काम लैके आ रहे हैं जिहड़ा जंदर वासियों वास्ते बहुत वधिया होगा। नहीं मिलते तो तदी तो बराबर खड़ी उन्हां दे जे अगे नहीं मिले बेटा अज ना भी तो बेटे दे नाल नाल तुरियां अंदरों निकलियां। मैं कहा बुआ भेट दे कहिंदी बीबी पुलिस वाले उधर खड़े आ। मैं कहा वैसे उदा ही आए होणगे जां सड़क वालिया दे नाल आए होणगे। जदों बाहर निकल के देखे कहिंदी बीबी मंत्री आए आ तू ही जा बाहर जिदा कपड़े पाए सी उदा ही बाहर आ गई आके मिली आ। मैं के पुछया बेटा बे ऐतकी रिटायर हो के करतारपुरों आए कहिंदे हाँ करतारपुरों आए आ। फिर मैं कहा 14,000 वोट ते जिते आ कहिंदे हाँ जी। मैं कहा पुत मैं तुहाडियां फोटो TV ते देखियां ते अखबार से देखिया बड़ी खुशी हुई है पर यह नहीं मैनू पता से भी आज मेरे पुत ने मैनू ढड़ दे नाल भी लग जाना। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने एक नौजवान को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP 2 आदित्य शर्मा ने बताया कि थाना डिवीजन नंबर 7 के मुख्य अधिकारी परमिंदर सिंह की निगरानी में ASI सोहन सिंह पुलिस पार्टी सहित चीमा चौक के नज़दीक मौजूद थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि दिव्यम बब्बर उर्फ गंजा निवासी रामलीला पार्क सोडल नगर जालंधर के पास नाजायज हथियार हैं और वह एक गाड़ी में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में शहर में घूम रहा है। अगर अभी कुक्की ढाब इलाके में नाकाबंदी कर चेकिंग की जाए तो
उसे नाजायज हथियारों सहित काबू किया जा सकता है, जिस पर एएसआई सोहन लाल ने मामला दर्ज कर नाकाबंदी कर आरोपी को काबू कर लिया, जिसके पास से एक अवैध देसी रिवॉल्वर, एक जिंदा रौंद, एक खिलौना पिस्तौल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सीपी साहब श्री कुलदीप चहल आईजीएस जी के निर्देशा हेत असी जिहड़ा हैगा जिहड़े शक्की व्यक्तियों के खिलाफ असी जिहड़ी मुहिम उह चला रखी है जी। असी जिहड़ा इनफॉर्मेशन सानू इनफॉर्मेशन मिली सीगी कि भी एक बंदा हैगा जिहदे कोल अवैध पिस्टल हैगा, इहदे नाल उह वारदात करन दे लई कर सकदा हैगा। इनफॉर्मेशन ते एसीपी मॉडल टाउन समेत एसएचओ 7 ने जिहड़ा ऑपरेशन करदे हुए एक बंदा है जिहड़ा उह फड़िया हैगा, इहदा नाम दिव्यम हैगा, सोडल जिहड़ा मोहल्ले उत्थे दा रहिण वाला हैगा। इहदे कोल एक जिहड़ा अवैध असला जिहड़ा हैगा रिवोल्वर इहदे तों मिलिया है। इस दे नाल आ जिहड़ा एक हो जिहड़ा डम्मी पिस्टल हैगा, जो एकदम जिहड़े पिस्टल वांगू लगदा हैगा, एक डम्मी पिस्टल भी फड़िया हैगा। असी पढ़ के इहनां दे FIR नंबर 77 है, वह 2554 आम सैक्ट के तहत जी रजिस्टर की हैगी। असी आगे वेरीफाई कर रहे हैं, असी आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आ वैपन कितों लग्या, इहदा की इंटेंशन सी, जिहड़े अगे जिहड़े भी पहलू असी उन्हों ना विचार रहे हैं। नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ वी जस्ट फाउंड जिहड़े वैपन है असी मिले है, बाकी अगे जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है उहदी कोडिंग अगे असी करवाई। वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा अपने क्षेत्र दिड़बा में धार्मिक समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विरोधी पार्टियों पर सवाल खड़े किए और नवजोत सिंह सिद्धू व विक्रमजीत सिंह मजीठिया की जफ्फी पर बोलते हुए कहा कि अपने राजनीतिक हित के लिए एक दूसरे को गालियाँ निकालने वाले आज जफ्फी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ भद्दी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वे उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार सरकार को घेरने वाले ऐसे लोगों को किसी ने मुंह नहीं लगाना। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आने समय के अंदर पंजाब दे विच दो तीन पोलिटिकल पार्टियां जां थोड़े जिहे जिहड़े व्यक्ति सी जिन्हां ने पंजाब नूं बर्बाद करन दे विच अपनी अहम भूमिका निभाई, अज उह अपने सियासी हितां दे लई अपनी खोई हुई जमीन हासिल करन दे लई इकट्ठे हो रहे ने। बिल्कुल सिद्धांतां तों भुल गए, पहलां बहुत गैर मियारी गल्लां करदे सी, अपने परिवारों के खिलाफ एक दूजे के परिवारों के खिलाफ जोड़ा है बहुत ही मंदी भाषा का प्रयोग करते सी। सो उन्हों का असली चेहरा लोगों के सामने नंगा होया कि किस प्रकार के लीडर ने गए। सो मैं समझना जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया गा वो पंजाब के अंदर जी भाषा को लोग मानता देंगे हैं, गैर मियारी भाषा अनपार्लीमेंटरी लैंगुएज जी उन्होंने साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब के प्रति वरती आ, मैं उसकी निंदा करदा गा। इस तरह के जो सभ्याचार आ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਾ। अमृतसर के वार्ड नंबर 82 जापानी मिल एवेन्यू में शिरोमणि अकाली दल के अरविंद कुमार भकना अपने साथियों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर अमृतसर वेस्ट क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधू विशेष तौर पर शामिल हुए। इस दौरान अरविंद भकना व इलाकावासियों की ओर से फूल मालाएं पहनाकर विधायक संधू का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक संधू ने अरविंद भकना व उनके सैकड़ों साथियों को सिरोपा डालकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अरविंद भकना ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की ओर से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर अरविंद भकना की ओर से विधायक जसबीर सिंह संधू को कृपाण भेंट कर और दोशाला देकर सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इतिहासक नगरी गुरुद्वारा छाटा साहब दे मैं वार्ड नंबर 82 च खड़ा हां इस वेले। सो अज मैनू बहुत ही बेहद खुशी महसूस हो रही है क्योंकि अज इतों 3 पीढ़ियों तो अकाली परिवार जिहड़ा वह अज आम आदमी पार्टी के शामिल होया। सरदार भगवंत सिंह मान जी नीतियां तो प्रभावित होकर साढ़े सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी नीतियां तो प्रभावित होकर यह परिवार जिहड़ा ये सेवा नूं समर्पित परिवार है। सो ये पिछले 3 पीढ़ियों तो अकाली दल के नाल सेवा कर रहा है। सो मैं इन्हां नूं आम आदमी पार्टी जॉइन करन ते दिल दीआं गहराइआं तों जी आया आखदा। ये तकरीबन अज 200-250 परिवार जिहड़ा अरविंद भकना जी दे नाल आम आदमी पार्टी दे नाल शामिल होया। सो मैं अरविंद भकना जी का भी दिल दीआं गहराइआं तों जी आया आखदा।
क्योंकि इस इलाके इस हल्के मैं रिप्रजेंट कर रहा आम आदमी पार्टी वालों। सो मेरा फर्ज बनता कि जोड़ा भी उभरता कोई समाज सेवक आम आदमी पार्टी के लिया जाए। सो असी इस कोशिश कामयाब होए हैं तो अज इन्ह का आम आदमी पा आम आदमी पार्टी के आते मैं स्वागत करदा। तो इलाका निवासियों एक विश्वास दवाना कि जिन्ना दिन रात असी इस हल्के की सेवा च लगे हुए हैं यदा सबूत जोड़ा है कि तुसी पंजाब सरकार दी नीतियां तो प्रभावित हो। तकरीबन 90-95% लोगों के बिजली के घर जो बिल है जीरो आए हैं। ऑल इंडिया जिम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों को एक मंच पर एकजुट करने के लिए इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर GJC के निर्देशक और IJSF संयोजक दिनेश जैन ने कहा कि ये दुनिया भर में अपनी तरह का पहला उद्योग भर में व्यापार परिदृश्य के उत्थान के लिए IDT जिमोलॉजिकल लेबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड टाइटल स्पॉन्सर है और डिवाइन सॉलिटेयर्स इस इवेंट के लिए पावर्ड स्पॉन्सर है। यह आयोजन 12 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 तक होगा। इस दौरान दिनेश जैन ने कहा कि IJSF का उद्देश्य भारत में आभूषण पर्यटन को विकसित करना और देश को विश्व आभूषण पर्यटन हब बनाना है। ये आयोजन दुबई महोत्सव के समान है जो वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और उपभोक्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित करता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका डायरेक्टर हूँ और जो हमने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल को लॉन्च किया है उसका कन्वीनर हूँ। ये कार्यक्रम हमने भारत को विश्व पटल पर एक ज्वेलरी टूरिज्म के रूप में प्रमोट करने के लिए और इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री में किस तरह से हम नए लोगों को नई जो जनरेशन है उसको इसके साथ जोड़कर और भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान कर सकते हैं, किस तरह से फॉरेन करेंसी का रेवेन्यू बढ़ाकर कैड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम आने वाली जो पीढ़ी है या जो लोग हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। हमारा अनुमान है कि 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के इस कार्यक्रम में हम 5 मिलियन कंज्यूमर को एड्रेस करेंगे। इस बीच में हम 12,000 करोड़ रुपये का व्यापार उम्मीद करते हैं कि भारत की इस रेवेन्यू जनरेट करेगा जो 20% टोटल हिंदुस्तान के 12 महीने का सेल होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, वो हम 1 महीने में प्राप्त करेंगे। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर SSP फिरोजपुर भूपिंदर सिंह ने कहा कि ये फ्लैग मार्च लोगों की सुरक्षा को देखते हुए निकाला गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि वे सुरक्षित हैं और लोगों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी शरारती तत्व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके, इसलिए वे यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। फ्लैग मार्च हमेशा जरा पब्लिक का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वास्ते पुलिस की प्रेजेंस दिखा, पुलिस भी मुस्तैद है, पुलिस अलर्ट है, ये दिखाने वास्ते फ्लैग मार्च होता है ताकि जो अपने चंगे शहरी है उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गए, तो जो कोई माड़ा अंसर है वो पुलिस को पुलिस की अलर्टनैस को डरे तो बाहर जाए। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੱਥ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਗੋ ਉੱਧਰ ਵੀ। जहां आज के नौजवान नशों की दलदल में फंसते जा रहे हैं तो वहीं वरुण अपनी फिटनेस के साथ पंजाब और अपने परिवार का नाम रोशन करता आ रहा है। वर्ष 2002 से भारत स्तर पर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जालंधर के रहने वाले वरुण की, जिसने बॉडी बिल्डिंग के कई मुकाबलों में मेडल भी जीते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वरुण ने कहा कि उसके पिता की मौत के बाद उसने बॉडी बिल्डिंग में भाग नहीं लिया। उसका कहना था कि रोजाना 500
से 600 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन खुराक के लिए सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण उसे अपने परिवार और बच्चों के पालन पोषण के लिए ये फैसला लेना पड़ा। उसने कहा कि दिल्ली हड़ताल पर बैठे खिलाड़ियों का केंद्र सरकार को समर्थन करना चाहिए और उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए। उसने कहा कि अगर आज की नौजवान पीढ़ी को नशों की दलदल से फंसने से रोकना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खेलों को उत्साहित करना चाहिए। उन्हें इस तरह की पहलकदमी करनी चाहिए कि नौजवान खेल मैदानों में आगे बढ़ सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आजकल का जो यूथ है वो नशे तो दूर है और अपनी सेहत का ख्याल रखन, अच्छी चीज़ा खान और नशे तो बिल्कुल दूर है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है वरुण, मैं एक प्रोफेसनल बॉडी बिल्डर हाँ। मैं काफ़ी टाइटल अचीव किए हुए हैं, जिदे मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया का कॉम्पीटिशन पार्टीसपेट किया हो, मिस्टर पंजाब, NPC और मिस्टर हिमाचल। मेरी मंग है वह कि केंद्र सरकार को बॉडी बिल्डिंग गेम से भी फोकस करना चाहिए वा, जिस तरह अपना हॉकी है, क्रिकेट है, केंद्र सरकार इस गेम से कि फोकस करती है और प्लेयर्स को कि एंडोर्समेंट मिलता वा। असी मैं चाहते हैं कि कला मैं नहीं, साढ़े पंजाब ऑल ओवर इंडिया से इन्ने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है जेडे मिस्टर इंडिया टाइटल, मिस्टर वर्ल्ड टाइटल रिप्रजेंट करके आए फॉरन कंट्रिया से जाके। मैं चाह रहा कि केंद्र सरकार को बॉडी बिल्डिंग गेम को भी अगे वधाना चाहिए। मैं मैसेज देना चाहना कि केंद्र सरकार को उन्होंने पूरा सपोर्ट देना चाहिए वा। देखो वो साढ़े इंडिया को रिप्रजेंट करने कि मेहनत करते हैं, कि हार्डवर्क करते हैं और अपनी अपनी पॉकेट चो कि खर्चा करते हैं, फिर जाके वो कंपीटिशन जिदा जरूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग कोई हॉकी का टूरनामेंट है या वॉलीबॉल है उस विच उस मैच में पार्टीसिपेट करते और जित के आते हैं। मैं चाहना कि केंद्र सरकार को उन्होंने पूरा सपोर्ट देना चाहिए। देखो जी, हजे तक तो केंद्र सरकार ने बॉडी बिल्डिंग वाल फोकस किया ही नहीं है, बाकी सारिया गेमां वाल तकरीबन फोकस जा तो गा, मगर बॉडी बिल्डिंग गेम नू हजे तक इन्ना फोकस नहीं दिता जा रहा। घल्लूघारा दिवस के मद्देनजर जीरा पुलिस की ओर से SPH सोहन लाल सोनी की अगुवाई में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च थाना सिटी जीरा से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस थाना सिटी जीरा में आकर समाप्त हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए SPH फिरोजपुर सोहन लाल सोनी ने बताया कि DGP पंजाब द्वारा जारी की गई हिदायतों के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। जिला सानू सब तो मेन है कोई गलत अंसर जो कोई गलत काम ना करें तो असी कोई भीड़ भड़के वाली जगह जिम्मे कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तो सिर्फ आप गाह करने चलिए जोड़े गलत बंदे है ये साढ़े सर्च ऑपरेशन करके चैकिंग करके ये बंदे को गलत है जो कदम ना और जो साढ़े अपने सीनियर ऑफिसर ने सा ADP लॉ एंड ऑर्डर DGP साहब साढ़े SPP साहब इन्होंने दिशा निर्देश से साढ़े ये साढ़िया सर्च ऑपरेशन वगैरह चलता रहता और फ्लैग मार्च जो हमेशा चलते रहेंगे सारे मुलाजम पूरी दलदी पूरा लगन मेहनत ड्यूटी निभा। भारतीय स्टेट बैंक जन सुरक्षा अभियान के तहत जंडू सिंगा शाखा और करतारपुर शाखा द्वारा गांव मदारा में जन सुरक्षा मेगा संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैंक के उप महाप्रबंधक विश्वनाथ यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर कार्यस्थल की शोभा बढ़ाई, तो वहीं समारोह में मुख्य मेहमान के पहुंचने पर बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधिका अनुपमा शर्मा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस आयोजन में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बैंक के दोनों अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की और साथ ही सरकार के जन सुरक्षा अभियान के बारे में उन्हें जानकारी भी प्रदान की। अधिकारियों ने लोगों को बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से होने वाले फायदों और लोग कैसे इनका लाभ उठा सकते इसके बारे में उनका उचित मार्गदर्शन भी किया। सरस्वती सिंधु न्यास हॉल आदर्श नगर में जो योग कक्षा रमेश चुग और सतविंदर सिंह कुंदी द्वारा लगाई जा रही है उसमें एक स्पेशल योग कक्षा रखी गई, जिसमें अमृतसर की 85 वर्षीय योग माता शकुंतला देवी और उनके बेटे जो कि अमृतसर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं ने साधकों को योग आसन करवाए और योग के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान बांटा, जिसमें प्रिंसिपल राकेश शर्मा, विनोद, आशा, शीला, कोमल टंडन
ਹਨ ਆਰਤੀ ਜੈਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਵਿਤਾ, ਊਸ਼ਾ, ਰੋਜ਼ੀ, ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੁੱਗ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਦਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੇਨਾ, ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਔਰ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮਸਤ ਅਤਿਥੀਓ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਭੀ ਕੋ ਅਲਪਾਹਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੋਚੀਆ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ, 80-85 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੋਗ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਈ। ਮੈਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਚਾਨਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਸਥਾ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲਚਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਲ ਬਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੌਂਗ ਮਲੌਂਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਖੇ ਆਸਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੈਂਸ ਪਵਾਏ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈਂਸ ਪਵਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਬਲੌਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੜਕ ਇਹ ਵੀ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੜਕ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਾਰੂ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਰੜਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੜਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਬਾਲ ਬਾਤੀ ਕਰਨੀ, ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਲਚਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਚਕ ਬਣ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਯੋਗ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇ ਦੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਦੰਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆ ਸੇ ਗੁੜੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਸੇ ਗੁੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਨ, ਕਬਾਲ ਬਾਤੀ ਕਰਨ, ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਕਰਨ, ਸੁਖਸ਼ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਚਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਚਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ लुधियाना के दोराहा में श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट की ओर से निर्मित श्री मणिलक्ष्मी धाम जैन तीर्थ के अंजन श्लाका प्रतिष्ठा महामहोत्सव करवाया जा रहा है जिसके पांचवें दिन परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी की पावन निश्रा में श्री वाराणसी नगरी कल्याणकारी मंडप में स्टेज प्रोग्राम प्रियमदा सखी द्वारा जन्म बधाई नव लोकांतिक देवों द्वारा दीक्षा हेतु कई कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव में राज ज्योतिषी ने भगवान की कुंडली बनाई। भगवान के नामकरण मौके भुआ भरेसा का लाभ लेने वाले श्री मणि लक्ष्मी परिवार के पारिवारिक सदस्य तथा मामा मामी श्री नोनामल पूर्णचंद रमेश कुमार महेंद्र पाल जैन बरड़ मैसर्ज डी जैन हौजरी फैक्ट्री तथा विपन एक्सपोर्ट परिवार के समूह सदस्य शगुन तथा उपहार लेकर पहुंचे। महोत्सव में खन्ना के विधायक तरुण प्रीत सिंह सौंद नाहर ग्रुप के कमल ओसवाल दमन ओसवाल संदीप जैन ऋषभ ओसवाल अभिनव ओसवाल संभव ओसवाल सहित कई उच्च पदाधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और गच्छाधिपति जी तथा अन्य साधु साध्वियों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री आत्म वल्लभ जैन सर्व मंगल ट्रस्ट के चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल प्रधान सुरेंद्र मोहन जैन महामंत्री विनोद जैन जैनसन कोषाध्यक्ष सीए राहुल जैन ट्रस्टी मनमोहन सिंह जैन चेन्नई मनोज जैन ट्यूडर राजेश जैन मेघा सुनील जैन कोहिनूर अनिल जैन सैलो राजीव जैन चमन विक्रम जैन आदित्य नवनीत जैन बॉबी राकेश जैन नीटा सहित समूह जैन समाज उपस्थित रहा। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। Oh,
वर्षों से चल रहा है, जैसा कि परम पूज्य पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब ने इस स्वप्न को अपने शब्दों में संजोए हुए नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने हृदय की डायरी पर अंकित किया है और विजयानंद सूरी और वल्लभ का जग में नाम दिपाया है। आज ये स्वप्न साकार होने जा रहा है, जिस स्वप्न को लेकर संपूर्ण देश में परम पूज्य शांति दूत आचार्य श्री ने अपनी भावना अभिव्यक्त की। आज यहाँ पंजाब की खन्ना विस्तार की यह धरती, जहां पर की मणि लक्ष्मी तीर्थ का भव्यतम निर्माण होकर उसकी भव्यतम अंजन सभा का चल रही है, स्थानीय विधायक साहब यहां पर खन्ना के विधायक साहब पधारे और परम पूज्य गुरुदेव ने उनको जो आदेश दिया उस आदेश को परिपूर्ण करने के लिए आपने विश्वास दिलाया है जोरदार तालियां बजा करके। और हम परम आदरणीय श्रीमान विधायक महोदय खन्ना का फिर अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सारे काम गुरुदेव नित्यानंद जी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सांस जो है केवल और केवल जैन यूनिवर्सिटी
जिसमें विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा ने कहा था कि हो ना हो लेकिन मेरी भावना है कि यहाँ पर एक जैन यूनिवर्सिटी का निर्माण हो। परम पूज्य गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने जीवन का अहम लक्ष्य बना करके उठो लक्ष्य पर तूफा बनकर विश्वविद्यालय का निर्माण करो और बुला रहे हैं नित्यानंद सूरी हाथों से उपकार करो। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें प्रदीप शर्मा, तान्या शर्मा, भूपिंदर उपाध्याय, नलनी उपाध्याय ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहूतियां डाली। इस मौके पर यज्ञ ब्रह्म विद्वान रंजीत आर्य ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य नरेश आर्य हिमाचल वाले सहित सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, सुभाष आर्य, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रोमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर नलनी सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। उन्होंने ये सारे मंत्र इस मौके की तरह प्रोकर हमारे सामने रख दी। हमने का पाठ कर दिया। आज 21 ज्येष्ठ है, प्रवाह से बचे। ओम या ई चाका ना सोस्या वेद आई ददश हिरुगिंदु तस्मात् सा मातृणाम परिविधो अंत प्रभु प्रजा निष्क्रतिमा विवेश। ये मंत्र ऋग्वेद में और अथर्ववेद में दोनों में यह मंत्र आता है। इसका भाव जाने क्या है? मनुष्य संसार सागर में डूबता जाता है। मनुष्य जो जो प्रभु प्रजा होता जाता है क्यों तो वह निश्चिति में घोर कष्ट में पड़ता जाता है। जालंधर के वार्ड नंबर 46 के अधीन आते शिवाजी नगर में सतगुरु कबीर जी महाराज के 625वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जागो निकाली गई। इस मौके पर सांसद सुशील कुमार रिंकू व उनकी धर्मपत्नी पार्षद सुनीता रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर ओम प्रकाश बलबीर गोरिया, राजकुमार काला, सुभाष हलवाई, पप्पू हलवाई, सनी राजेंद्र सिंह सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। जागो कढ़ी गई जिले च सनी भगत, सुभाष चंद्र, पप्पू हलवाई बाद अटूट लंगर बताया गया। जी जागो बहुत बढ़िया हुई। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र। फिर भवानीगढ़ सुनाम मुख्य मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक नौजवान की हुई मौत, पुलिस ने टिप्पर चालक को किया गिरफ्तार। लुधियाना के मॉडल टाउन में 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटी कार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जीरे के गांव बहक पछाड़िया में दिन दिहाड़े हथियारबंद कार सवारों ने स्विफ्ट गाड़ी लूटी, पुलिस जाँच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।